यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग राव गेमिंग चैनल। और गाइस अपन खेल रहे हैं जीटीए हब। तो गाइस इसमें ने कहा रीना फिर से आ गई है, एंड ने कहा इसमें ने कहा देख सकते हो उसका अपार्टमेंट में वो चिल कर रही है। तो यार बहुत उसने इनकम अर्न कर लिया, एंड लास्ट टाइम आपने देखा था उसने गार्बेज ने कहा उठाया था, कचरा उठाने का जॉब किया था। तो उसके बाद ने कहा अभी वो ने कहा प्लान करते अपन कि नेक्स्ट वाला कौन सा ने कहा बिगिनर जॉब रहेगा, तो वो वाला ट्राई करते अपन। और ने कहा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर वाले आई बटन पर जाके देख लो, एंड आपको मज़ा आएगा वो वाले पार्ट में भी। तो यार नेक्स्ट वाला जॉब अपन ने क्या देखते हैं सिटी में, ने क्या इधर देख सकते हो बहुत सारा जॉब है, जैसे कि फिशरमैन है, गार्बेज अपन ने तो किया था, तो ये वाला जॉब ने क्या इस बार करेंगे। ये ट्रकर का जॉब है, तो इसमें ने क्या ट्रकर का ने क्या लाइक रहता है गुड्स वगैरह, तो वो अपन कुछ करते हैं इसके अंदर। तो ये कैसा है कैसा नहीं अपन देखते हैं, एंड इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कैसे करना है इसमें, ठीक है। तो चलो सीधा चलते हैं। तो गाइज इधर निका अपन आ गए अपने अपार्टमेंट के नीचे वाले फ्लोर पे। तो यार रीना के पास निका थोड़े बहुत पैसे आ गए इधर, तो अपन ने कहा बैंक में देख सकते हो आप लोग इधर अराउंड 135 है। तो यार एक वाटर बॉटल ले लेते अपन, एंड इसको पानी निका पीने का है तो पानी पिला देते इसमें। एंड निका इसमें निका मेरे पास 50K हुए थे, तो मैंने इसमें फर्स्ट कार लिया था, तो वो दिखाऊंगा आपको मैं कैसा है एकदम मेरा नया वाला कार। तो वो देखो उधर कॉर्नर में उधर खड़ा रहेगा। तो यार रीना को इधर ऑलरेडी ने कहा एक बैटल पास से ने कहा एक काइंड ऑफ बबल मिला है, तो आप लोग देख सकते हो ये बबल ने कहा उड़ा सकती है, ठीक है। तो ये बुलबुला फुला सकती है। तो चलते हैं सीधा, आपको दिखाता हूँ मैं अपना ये नया वाला कार। तो ये रीना ने कहा रिसेंट में ख़रीदा है, एंड इसको कस्टम किया थोड़ा व्हील्स वगैरह। तो ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, और ये ने कहा सबसे चीप और बेस्ट कार है, लाइक विग्रो इसका नाम है। तो ये अराउंड ने का आपको 23,000 का पड़ता है, $23,000 का पड़ता है। एंड इसको ने का कस्टम मैंने कलर कराया था और फिर बाद में व्हील्स डाला था, जो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो ये आप लोग भी ने का ले सकते हो, ठीक है। तो इसका साउंड वगैरह भी बहुत सही है, मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो ये स्टार्ट हो गया, इसका वॉइस एकदम मस्त है एकदम, मतलब जो आवाज़ है ना इंजन का वो बहुत सही है, और ये बहुत फास्ट है। तो ये 0 to 100 में नहीं का बहुत जल्दी स्पीड कवर कर लेता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये। तो अपन चलते हैं सीधा लोकेशन पे। तो गाइस जब आप ये लोकेशन में आ जाओगे तो ये आपको ऐसा कुछ दिखाएगा अलग वाले लोकेशन पे, तो आपको इसके अंदर जाना है, एंड इसके अंदर जाके इधर स्लोली निकल जाना है बिकॉज ये स्पीड ब्रेकर है, एंड ये नीचे हो जाएगा, एंड फिर बाद में आपको इधर राइट टर्न लेना है, एंड फिर आप उधर पार्किंग कर सकते हो। तो ये पार्किंग एरिया है, तो इधर पार्किंग एरिया के अंदर भी पार्क कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ अंदर ही करो, अंदर बेस्ट है, इनका अपना पार्किंग स्पेस है। तो आप इधर बाहर लगा देता हूँ मैं अभी फ़िलहाल के लिए, बिकॉज मेरे को फिर से लेके जाना है, तो मैं इधर बाहर किधर तो भी लगा देता हूँ साइड में। तो गाइस जैसे ही हो जाएगा आप देख सकते हो इधर बहुत सारे वैन्स खड़े हैं। तो ये आपको ये लोकेशन इसके पास आना है, भाई के पास, तो इसका नाम रॉबर्ट है, इधर ऊपर शो कर रहा है। तो आपको इधर ई प्रेस करना है और फिर बाद में इसको क्लिक करना है, देखो इधर बिगिनर वाला। तो ये इस पर क्लिक कर देते हैं, तो ये अपना कपड़ा चेंज हो जाएगा, एंड फिर बाद में अपने को ऐसे कपड़े मिल जाते हैं। एंड इधर आप इस पर कोई भी नहीं कहा ये वैन ले सकते हो, एंड ये वैन से आपने क्या सीधा ये कर सकते हो लाइक लोकेशन पे जा सकते हो। तो इधर देखो मुझे एक मैसेज भी आ गया है, लाइक ये देखो
कि अपने को मतलब ये जगह पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करना है सामान, तो ये एकदम केयरफुली करना होगा, नहीं तो अपने को सैलरी कम मिलेगा इसमें। तो ये वाला वैन चूज कर लेता हूँ मैं, तो इसमें बैठ Come जाता on, हूँ। that cargo ain't gonna deliver itself. Time to put the तो pedal to इधर the metal. ऑटोमेटिक GPS निका बन के आ जाता है, तो जैसे कि मैप में देख सकते हो आप छोटे से, इसमें I can be happy ऑटोमेटिकली with ये very लोकेशन में little. जाना है अपने को। तो जैसे ही ये लोकेशन पे आ जाते हैं अपन, तो है ना कि इधर लिख के आता है कि लिफ्टिंग लोड, तो है ना इधर जो सामान है वो लोड नहीं क्या हो रहा है, तो अपन थोड़ा वेट कर लेते हैं, एंड वेट करने के बाद अपन सीधा चलते डिलीवरी पे। तो गाइज यहाँ पर अपना गुड्स लोड हो चुका है, एंड अपने को मिल चुका है एक GPS, तो अपने को वो लोकेशन पे जाना है, और इधर लिखा है कि है ना केयरफुली ड्राइव करना है और डिलीवर करना है केयरफुली। तो इधर अपन चलते हैं एकदम स्लो स्लो में, एकदम आराम से। तो इसमें नहीं का थोड़ा ड्राइविंग स्किल्स चाहिए आपके, GTA वाले ड्राइविंग स्किल्स मत रखो। तो इधर नहीं का अपन आराम आराम से जाते हैं, थोड़ा बिना इसमें इसको बिना ठोके चलाना है। सो गाइज इधर ने कहा अपन आ गए ये वाले लोकेशन पे, तो इधर ब्लू डॉट दिख रहा है अपने को मैप में। तो इधर मैं ई से नहीं कहा ट्रंक दबा देता हूँ, और फिर बाद में इसको मैंने कहा इसमें इन्वेंट्री में ले लेता हूँ ट्रैक करके। तो अपने को इधर जाना अंदर, इधर अंदर ही किधर तो है वो, तो वो जगह पे जाके अपने को डिलीवर करना है। तो यार ये देखो क्या ग्लिच है इसका, तो ये धीरे धीरे उधर चल रहा है, तो अपन शायद ये जगह पे तो नहीं है, तो ये जगह पे है गाइज। तो इधर अपन जाके इसको निकल ड्रॉप कर देते हैं, इधर लिख के आ रहा है E2 ड्रॉप, तो इसको ड्रॉप कर देते हैं ये आइटम को, एंड ये फट से उसने ड्रॉप कर दिया। अब चलते हैं सीधा सेकंड वाले लोकेशन पे, एंड उसको भी निकल सेम ऐसे ही करते हैं। तो गाइज ये सेकेंड लोकेशन पे भी आ गए अपन, एंड निका इधर निका इसको भी मैं ले लेता हूँ इधर ये बॉक्स को। तो इधर ई प्रेस करता हूँ, एंड फिर बाद में इंटरैक्ट करके ई प्रेस करके ट्रंक से ये बॉक्स हटा देता हूँ, एंड हाथ में ले लेता हूँ इसको। अपन जाके उधर करेंगे ड्रॉप, और ये वाला भी लोकेशन हो गया डन। अब चलते सीधा सेकेंड थर्ड लोकेशन पे, लास्ट होगा शायद, तो ये थर्ड लोकेशन पे जाते हैं अपन। ये थोड़ा लंबा है इधर से दिख रहा है, तो ये देखो 1.42 किलोमीटर से ये लाइक माइल दूर है। तो चलते अपन, सीट बेल्ट लगा देता हूँ मैं इसमें। तो चलो दोस्तों अपन ये वाले लोकेशन पे भी आ गए हैं, तो इधर ने कहा अपन क्या करेंगे, उतरेंगे एंड उतर के अपन जाएंगे फिर से बॉक्स लेके। तो ये वाला आखिरी वाला होगा, तो इसके बाद शायद अपने को ने कहा ये मिशन हो जाएगा अपना, ये टास्क हो जाएगा, इसका जॉब हो जाएगा। तो अपने को कितने सैलरी मिलते हैं वो देखते हैं अपन। तो इसमें ड्राइव अपने को अच्छे से करना है, GTA ड्राइविंग नहीं चलेगा। तो ये देखो अपना इधर का हो गया है वन डे का, तो अपने को जाके इधर बोला है कि पेमेंट मतलब मिलेगा आपको वो कंपनी का जो व्हीकल है, वो अपने को वही जगह पे जाके अपने को डाल देना है, मतलब रख देना है, एंड फिर बाद में अपने को ओनर से बात करना होगा। इधर सीट बेल्ट पहन लेता और फट 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 चलता हूँ सीधा।
सो फाइनली यार अपन रीच हो गए अपने ने का कंपनी के जगह के इधर। तो इधर अपना व्हीकल निकल ये कर देते हैं, एंड इधर लिख क्या है, गो टॉक टू योर एम्प्लॉयर एंड गेट योर पेमेंट। तो यार अपना ये टास्क हो चुका है, ये वाला अपने मिशन कर लिया है। तो इधर अपन जाके अपना फट से पेमेंट कलेक्ट करते हैं। तो इधर पेमेंट अपने को कितना मिलता है, 750। फिर भी ठीक है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, $750 मिल रहे हैं। तो आज आपने 5-6 बार किया तो इधर आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और एडवांस निकल ट्रक ड्राइवर हो जाओगे, एंड उसमें ज़्यादा पैसे हो गए गाइस। तो ये अच्छा है एकदम, लेकिन उसके लिए आपको 50 करना होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो गाइस, एंड मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।